परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में हम जानेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में, कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस भी इसी पार्ट में लिए हुए हैं, आपको करके दिखाऊंगा कैसे आप उन्हें इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आप सबका स्वागत है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से हमने दो वीडियोस पहले ही देख लिए हैं। उन दोनों ही पार्ट में मैंने परम्यूटेशन के बारे में बताया है कि बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए बिना परम्यूटेशंस के सारे क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यहां तक कि आप एग्जाम में आने वाले हाई लेवल क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन के बारे में कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जाम में उन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आप मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप इन दोनों पार्ट को देख लीजिए ताकि आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी पता चल जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। जैसे परम्यूटेशन हमने देखा था, परम्यूटेशन का मतलब क्या था, अरेंजमेंट। जैसे आपके पास कोई पांच बुक्स हैं, आपको पांच बुक्स को अरेंज करना है तो कैसे आप अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कैसे रख सकते हैं, तो वो सारी चीजें क्या थी, परम्यूटेशन का पार्ट थी। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब जैसे आपके पास 10 बुक्स हैं, ठीक है, ये 10 बुक्स हैं और 10 बुक्स में से पांच आपको स्कूल ले जानी है, कॉलेज ले जानी है, तो कौन सी पांच बुक्स आप सेलेक्ट करेंगे, यही क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसको भी बिना किसी फॉर्मूले का हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके भी मेथड्स हैं मुझे पता है, लेकिन क्या है कि अगर उसका हम यूज करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम हमारे पास कम है एग्जाम में, तो हम वैसा मेथड नहीं यूज करेंगे जो हमको बहुत ज्यादा टाइम ले, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली फॉर्मूले का यूज करेंगे जिससे बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कॉम्बिनेशन को करना। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका होता है NCR, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब N क्या है, यहाँ पे N जैसे इस एग्जाम्पल की बात करूं तो जो भी आपका टोटल नंबर होगा वो क्या होगा, N होगा, और जितना आपको सिलेक्शन करना है वो क्या होगा, R की वैल्यू होगी। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, 10C5। ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब हम देखते हैं कि ये 10C5 का मतलब क्या होता है या NCR का मतलब होता क्या है आखिर। तो NCR को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल n, ठीक है, अपॉन में n माइनस r और इसने पूरे का फैक्टोरियल और इनटू में क्या होगा, r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यही क्या होता है NCR का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम इस क्वेश्चन को पुट करें तो क्या आएगा, ऊपर आएगा फैक्टोरियल ऑफ 10, नीचे क्या आएगा n माइनस r, मतलब 10 में से 5 को माइनस करिए कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल में 5, और उसके बाद क्या आएगा, नीचे जो वैल्यू है फैक्टोरियल में 5, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब इसे ही आपको सॉल्व करना है और इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो होता है आपका फैक्टोरियल का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट कैसे आप इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे, या पहले क्वेश्चन पे मैं कहूं, और जानते हैं कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है क्या, कि From a group of 15 students, 6 are to be chosen for a competition. मतलब किसी भी competition के लिए आपके पास 15 बच्चे हैं, उनमें से 6 बच्चों को आपको select करना है। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, ये basic question है। तो जो भी total number होगा वो n की value होगी, तो total number कितना है 15, तो ऊपर लिखेंगे 15, फिर क्या लगाएंगे c, कितने बच्चों को select करना है, 6 बच्चों को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। इसे आप बस सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ऊपर 15 का फैक्टोरियल अपॉन में 15 माइनस 6 कितना आएगा, 9 का फैक्टोरियल इनटू में 6 का फैक्टोरियल। इसे आप सॉल्व करिए देखिए क्या आ जाएगा। अब देखिए यहां पे नीचे जो बड़ी वैल्यू होगी आपको ऊपर वाली वैल्यू को बस वहीं तक ले जाना है, ठीक है। जैसे यहां पे नीचे बड़ी वैल्यू क्या है, 9 है, तो इसे आप माइनस करके भी देख सकते हैं, जैसे 15 में से 6 माइनस करेंगे अपने दिमाग में ही तो क्या आएगा 9, और यहां पे क्या लिखिए 6, तो 9 और 6 में दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी ऊपर वाली संख्या को वहीं तक आप माइनस करके फैक्टोरियल में लिखेंगे। तो मैं 15 को केवल 10 तक लिखूंगा, 9 फैक्टोरियल कट जाने वाला है, तो ऐसे लिखूंगा मैं 15 × 14 × 13 × 12 × 11 × 10 और फैक्टोरियल 9 पे आके मुझे रुक जाना है, ठीक है। क्यों रुक जाना है, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 9 लिखा होगा।
इंटू में फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, फैक्टोरियल 9 सीधे सीधे कट जाता है। अब आपको इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 गुणे 3 कितना होता है 12, तो 12 डायरेक्ट कट गया। 5 गुणे 2 कितना होता है 10, तो 10 डायरेक्ट कट गया। 2 से मैं काटूं 6 को तो 3 बार में कटेगा और ये 7 बार कट जाएगा 14, और 3 15 को 5 बार में काट देगा। अब देखिए ऊपर केवल मल्टीप्लाई करना है आपको, 7 गुणे 15, 5 गुणे 7 गुणे 13 और गुणे 11, आपको बस मल्टीप्लाई करना है इन छोटे छोटे नंबर्स को और आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये करना बहुत टफ नहीं है, आसान है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5005। ये आपका क्या होगा आंसर, या कह लूं मैं नंबर ऑफ वेज जिससे आप एक ग्रुप बना सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं 6 बच्चों को 15 बच्चों में से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया सिलेक्शन। तो यहां पे एक बात बस ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको कॉम्बिनेशन करना होगा तो क्या करेंगे आप, कि जो भी बड़ा नंबर होगा न्यूमरेटर को केवल वहीं तक आपको ले जाना है, तो उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे इसे अगर मुझे डायरेक्ट लिखना होता तो मैं क्या लिखता, 15 गुणे 14 गुणे 13 12 11 और 10, और नीचे क्या लिखता सीधे फैक्टोरियल 6, क्योंकि 9 9 तो कट ही जाने थे, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बदलता है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने शुरू होते हैं, हालांकि बैंक में तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, काफी सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 मेन एंड 2 वुमेन बी मेड आउट ऑफ टोटल 7 मेन एंड 3 वुमेन। आपके पास कह रहे हैं कि टोटल 7 आदमी हैं और 3 औरतें हैं, उनमें से आपको 5 आदमी और 2 औरतों का एक ग्रुप बनाना है, तो एक कितने तरीके से आप बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपको करना कुछ नहीं, बस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को देखना है, जैसे मेन को आपको मेन के लिए देखना है, वुमेन को आपको वुमेन के लिए देखना है, ठीक है। तो यहां पे आपको दो लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पहले मैं बता दूं कि एक होता है आपका और एक होता है एंड। तो कहीं भी अगर और लिखा हुआ आता है या और का सेंस आता है तो आपको उसे प्लस करना है, और कहीं भी अगर एंड लिखा हुआ आता है या एंड का सेंस आता है क्वेश्चन में तो उसे आपको इंटू कर देना है, ठीक है। तो जैसे यहां पे मुझे 7 मेन में से 5 आदमी सेलेक्ट करने हैं, तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 7C5। अब आपको समझ में आया होगा टोटल नंबर ऊपर होता है कि जितने सिलेक्शन होने हैं वो नीचे, और 3 औरतों में से 2 औरतें सेलेक्ट करनी है मतलब 3C2। अब बीच में देखिए इनके क्या लगा हुआ है एंड, एंड का मतलब क्या हो जाएगा इनटू, तो इनटू कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए 7C5। अब इसे देखिए कि अगर आप 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 2, और आर लिखेंगे तो क्या जाएगा फैक्टोरियल 5। तो आपको बड़ी वैल्यू मतलब 5 तक ही इसको ले जाना है, तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 7 into 6 और नीचे 7 - 5 फैक्टोरियल 2, इनटू में 3 - 2 करेंगे तो ऊपर क्या आएगा फैक्टोरियल में 3 ही आएगा, तो 3 को आपको केवल 2 टाइम्स ले जाना है, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 की वैल्यू तो 1 ही रहती है, तो 2 भी आपका फैक्टोरियल 2 नीचे वाले फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा। ऊपर इसे हम 3 बार कट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 7 into 3 into 3, तो 7 into 3 into 3 क्या आ जाएगा आपका 63 वेज हो सकते हैं जिससे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ पर्संस को। तो आपको इसी तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बहुत ही इजी है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये आपका एक समझ लीजिए पेट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंडशेक्स वाला। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए या आप कोई भी बुक उठाइए, आपको हैंडशेक का एक ना एक प्रॉब्लम मिल ही जाएगा। तो यहां पे हम पहले देखते हैं हैंडशेक की प्रॉब्लम का एक बेसिक पार्ट, कि ये बेसिक क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मतलब कहा गया है कि कोई पार्टी है जिसमें 12 पर्सन हैं, तो बताइए कितने हैंडशेक्स पॉसिबल हो सकते हैं अगर हर एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाए। और इसमें कंडीशन और भी होती है कि आप खुद से हाथ नहीं मिला सकते हैं, और जिससे एक बार हाथ मिला लिया है उससे दोबारा नहीं मिला सकते हैं, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, तो कैसे हो सकता है ये, तो अगर इसका मैं थोड़ा बेसिक आइडिया आपको दूं या बेसिक कॉन्सेप्ट दूं कैसे हो सकता है, कि अगर हैंडशेक करना है तो मिनिमम पॉसिबल केस कितना हो सकता है, कम से कम 2 आदमी आपके पास होने चाहिए एक हैंडशेक के लिए। तो अगर मैं 2 पर्सन ऐसे ले लूं ए और बी,
तो इन दोनों के बीच हैंडशेक हो सकता है कितनी बार, केवल और केवल एक बार अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो। ए बी से हाथ मिलाया चाहे बी ए से हाथ मिलाए, बात एक ही हो गई, एक बार हैंडशेक हो सकता है। लेकिन अगर मैं तीन पर्सन ले लूं, ए बी और सी, तो देखिए ए बी से हाथ मिलाएगा, बी सी से हाथ मिलाएगा और सी क्या होगा, ए से हाथ मिलाएगा। रिपीटेशन नहीं किया मैंने तो कितने हैंडशेक्स हो गए, देखिए एक दो और तीन, टोटल नंबर कितने आ गया, तीन हैंडशेक्स पॉसिबल हो गए। इसी तरह अगर मैं चार पर्संस को ले लूं तो कितने हैंडशेक्स हो जाएंगे, देखिए ए बी से हाथ मिलाएगा, बी सी से, सी डी से, और उसके बाद सी ए से मिलाएगा और डी एक बार ए से मिलाएगा और डी एक बार बी से मिलाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एरोज देख लीजिए कितने आ गए आपके, सिक्स आ गए। तो कितने हैंडशेक्स हो सकते हैं पॉसिबल, सिक्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसी तरह आप इसे अगर बढ़ाते जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे पैटर्न मिलता है आपको, यहाँ पे टू का गैप है, यहाँ पे आपका थ्री का गैप है, नेक्स्ट आएगा आपका फोर का गैप, तो कितना हो जाएगा, टेन। इसी तरह आपका गैप ये बढ़ता जाता है जितने नंबर ऑफ पर्सन आप बढ़ाते जाते हैं। तो इतना तो आपको आइडिया लग गया कि दो पर्सन की जरूरत होगी हमेशा हैंडशेक के लिए। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसे आप पढ़ लीजिए, क्या होता है, एन सी टू। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, जैसे यहां पे 12 दिया हुआ है और टू तो होना ही होना है, बिना टू के पॉसिबल नहीं हो सकता है हैंडशेक। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम इसे, तो इसी फॉर्मूला में अगर मैं पुट करूं 12C2, 12C2 की वैल्यू निकाल लूं, तो यहां पे 12 को मुझे कितने तक खोलना है देख लीजिए, तो 12 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 10, और अगर यहां पे 2 रखेंगे तो 2 छोटी वैल्यू है, तो 10 और 2 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 12 को मैं 11 तक ही ओपन करूंगा, फैक्टोरियल 10 आपस में कट जाएगा और नीचे क्या लिख दूंगा, फैक्टोरियल में 2, 2 की वैल्यू 2 ही होती है, 6 टाइम कटेगा कितना आ जाएगा, 66 वेज हो जाएंगे जितने तरीके से ये हाथ मिला सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको और मैं बताना चाहता हूं कि एन सी टू जो ये लिखा हुआ है, इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, एन एन माइनस वन अपॉन में टू, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे थोड़ा पलट के क्वेश्चन पूछेगा, कैसे कि आपको दे देगा कि कोई पार्टी चल रही है जिसमें कुछ लोग हैं और वो आपस में हाथ मिलाते हैं और 66 बार हाथ मिला लेते हैं या हैंडशेक होता है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है, क्या n n माइनस वन अपॉन में टू, नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो गए, 66। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, n n माइनस वन, तो 66 को अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह लिख सकता हूं, 12 × 11। अब 12 कहां से आया, दो इधर चला जाएगा और 66 को 11 × 6 कर सकते हैं, और दो भी इधर चला गया तो क्या हो गया, दो, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12, और उसके बाद 11। ध्यान रखिएगा बड़ी संख्या को हमको पहले रखना है। ठीक है, तो अब आप क्या कर लेंगे, आपका ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन को एन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, फिर एन माइनस एन, और इन दोनों का आप फैक्टर करके आसानी से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं भी करना है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, कैसे, कंपेयर कर लीजिए, ये क्या है n, n की जगह पे क्या लिखा हुआ है 12, n माइनस वन की जगह पे क्या लिखा हुआ है 11, दोनों ही केस में आपको वैल्यू क्या मिलती है, n बराबर 12। यहीं से आपका डायरेक्ट आ जाता है आंसर कि कितने पर्सन हैं, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12, हमने देखा भी था क्या है n के वैल्यू क्या है, 12। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपसे चाहे हैंडशेक पूछे और चाहे नंबर ऑफ पर्सन पूछे, दोनों ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम। अब ये हैंडशेक की प्रॉब्लम का है, थोड़ा एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल का मतलब कि इसमें सिर्फ हैंडशेक ही नहीं पूछा है, साथ ही साथ में आपको कंडीशन भी दिया हुआ है कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए तब हैंडशेक आपको निकालना है। तो इसे आप कैसे करेंगे, देखिए यहां पे दिए हुए हैं कितने, 17 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, किसी सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे सर्कल बना देता हूं, ड्रॉ करता हूं, और यहां पे 17 स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हुए हैं, मैं इसे काउंट नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही समझने के लिए बना देता हूं, ऐसे 17 पर्सन मान लीजिए बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि सारे लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बट का मतलब लेकिन, या समझ लीजिए कंडीशन, बट हिज हर नेबर्स, कि अपने वो नेबर्स से हाथ नहीं मिला सकते हैं, ठीक है, और सभी लोगों से हाथ मिला सकते हैं, तो बताइए कितने हैंडशेक्स पॉसिबल हैं। तो ज्यादातर लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं तो वो 17C2 लगा के आ जाते हैं, और जो भी आंसर होता है वो क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पे 17C2 करेंगे तो जो, जैसे अगर इस पर्सन की बात करूं तो इसमें इसके नेबर्स भी काउंट हो जाएंगे जिससे उसने हाथ मिलाए हैं। तो यहां पे हमको कंडीशन क्या लगाई है कि नेबर्स से हाथ नहीं मिलाए
तो कितने हैंडशेक्स पॉसिबल हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकाल लीजिए ऐसे ही 17C2 करके, तो कितना आ जाएगा देखिए, 17 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 15, और R की वैल्यू कितनी है 2, तो 15 और 2 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, मतलब 17 को आपको केवल 16 तक ले जाना है, 15 कट जाएगा। तो 17 गुणे 16 और फैक्टोरियल में 2, 8 बार कटेगा, 17 गुणे 8 कितना होता है 136। क्या आ गया, 136 तरीके हो सकते हैं टोटल है ये, कोई भी कंडीशन जब नहीं लगी है तब की बात करते हैं। अब कंडीशन क्या लगी है कि अपने नेबर से हाथ नहीं मिला सकता, तो एक आदमी कितने नेबर से हाथ मिला सकता है, अगर सर्कल में बैठा है तो 2, तो 17 आदमी कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, 17 गुणे 2, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। साथ ही साथ में यहां पे जो 17 आदमी हैं इनकी ओवर काउंटिंग ना हो या रिपीटिशन ना हो, इसलिए हमको 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, एक एक आदमी दो दो बार गिन उठेगा। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 17, ठीक है 17 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 136 में से 17 को घटाइए, कितना आ जाएगा 119 तरीके आ सकते हैं जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं हर एक पर्सन से, लेकिन आपके नेबर से आप हाथ नहीं मिला सकते हैं। तो ये होगा इसे करने का सबसे सही तरीका, आप ध्यान से इसे देखिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये आपका कमेटी वाला है, कमेटी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो एक तो इसका मैं बेसिक लेता हूं और एक इसके बाद एडवांस क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं। तो पहले बेसिक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 मैन एंड 6 वुमेन 5 पर्संस आर टू बी सिलेक्टेड टू फॉर्म अ कमेटी। मतलब आपके पास 5 आदमी हैं और 6 औरतें हैं, और आपको 5 लोगों को सिलेक्ट करना है कोई कमेटी बनाने के लिए, तो बताइए इतना कैसे हम कर सकते हैं, कितने तरीके से। तो आपको सेलेक्ट कितने करने हैं, 5 लोग, टोटल हैं कितने लोग, तो आप अलग अलग नहीं लेंगे, टोटल लेना है तो 5 मेन प्लस 6 वुमेन्स, क्योंकि यहां पे जो 5 पर्संस के बारे में बात की जा रही, कोई कंडीशन नहीं है इसमें कितने आदमी होने चाहिए या इतने औरतें होनी चाहिए, 5 कोई भी पर्संस हो सकते हैं, तो यहां भी हम अलग अलग नहीं लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, अब ये लिखा हुआ है मैंने तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो टोटल 11 लोग हैं, सेलेक्ट कितने करने हैं 5, तो 11C 5, 11 में से 5 आप माइनस करिए कितना आएगा 6, 6 और 5 में क्या बड़ा है 6 बड़ा है, तो 11 को हम कहां तक माइनस करेंगे, 11 को हम 7 तक माइनस करेंगे, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब इसे देखिए 5 और 2 मिलकर 10 को काट देंगे, 4 8 को 2 बार काट देगा, और 3 9 को 3 बार काट देगा। अब आप बस इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 7, तो 11 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 33, 33 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 66, और 66 इंटू 7 आप करेंगे, इसको भी आपको जल्दी से करना है, आंसर आएगा 462। अब ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपको बताते हुए इसे कैलकुलेट कर लिया, देखिए कैसे किया, स्प्लिट एंड मर्ज किया, क्या 60 प्लस 6 इंटू में 7, तो 60 और 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 420, 420 में आप 42 और जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 462। इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है इसे, ठीक है। अब आपको भी तरीका पता है तो आप भी आसानी से कर सकते हैं इस तरह के वैल्यूज को आसानी से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आ रहा है ना, खासतौर पर ये वाली जो चीज यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये कैसे लिख रहा हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं इलेबोरेट कर दे रहा हूं, और जिसको समझ में आ गया है वो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लेगा जहां से मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसको नहीं समझ में आया वो यहीं पे रुका रहेगा। देखिए यहां पे हम कैसे कर रहे हैं कि टोटल नंबर तो हमारे फैक्टोरियल 11 हो गया, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, मैं क्या कह रहा हूं बार बार कि आप 11 और 5 को माइनस करिए, नीचे n माइनस r तो करना ही है, क्या वैल्यू आती है 6, उसके बाद जो वैल्यू यहां पे आपको माइनस करके आ रही है और जो r की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं दिमाग में ही कि दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो 6 बड़ा है 5 से, ये जाहिर सी बात है, ठीक है, तो 6 बड़ा है तो आपको 11 को 6 तक ही ले जाना है, कैसे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे आके रुक जाना है, क्यों, क्योंकि नीचे जब n माइनस r करेंगे तो 11 में से 6 फैक्टोरियल यहां पे नीचे मिल जाएगा और फैक्टोरियल 5 यहां पे r की वैल्यू पहले ही रहेगी, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमको इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है जब कट जा रहे हैं, तो ये हमको दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद आपको बस इतना ही सॉल्व करना बाकी रहेगा। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, अब ये आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या लिखा हुआ है देखिए कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 men and 6 women, फिर से 5 आदमी और 6 औरतों का कोई ग्रुप है। आपको फिर से 5 पर्सन को ही सिलेक्ट करना है, लेकिन यहां पे सो दैट लगा दिया, मतलब कंडीशन लगाया कि एटलीस्ट 3 men आर देयर इन अ कमेटी। कि आप 5 लोगों को सिलेक्ट करिए वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 आदमी उसमें रहने ही रहने चाहिए। 3 से कम आदमी रहेंगे तो ये कंडीशन आपकी काम नहीं करेगी, मतलब आपने गलत तरीका अपनाया है। तो 3 आदमी कम से कम जब की कंडीशन आएगी, मतलब एटलीस्ट की कंडीशन आएगी, तो आपको मैन की बात करेगा, वुमेन की बात करेगा, जिसके बारे में बात करेगा जिसके साथ एटलीस्ट लगा है, आपको शुरुआत केवल वहीं से करनी है, उतने ही नंबर से करनी है। तो टोटल कितने लोग आपको फॉर्म करने हैं ये देख लीजिएगा, 5 लोग आपको फॉर्म करने हैं। तो 5 लोग कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो 3 पर्सन रहने हैं तो 3 से ही स्टार्ट करिए। 3 आपके क्या हो गए, मेन हो गए, तो 3 मेन होंगे तो वुमेन्स कितनी होंगी, 2। या तो आपके 4 मेन हो गए तो वुमेन्स कितनी होंगी, 1 वुमेन होगी। या तो आपके 5 आदमी ही हो सकते हैं, वुमेन के बारे में ऐसी कंडीशन नहीं है कि वुमेन का होना भी जरूरी है। तो ये तो हो गया आपका तरीका। अब यहां पे जो प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लस करना है, मैं बता रहा हूं कि 5 लोगों की कमेटी आप कैसे ड्रॉ कर सकते या बना सकते हैं। चलिए, तो 3 मेंस को आप टोटल 5 मेन से कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं देख लीजिए, तो 5C3। अब तो ये समझ में आया होगा, टोटल आदमी कितने हैं, 5, सेलेक्ट कितने करने हैं आपको, 3। तो 5C3 तरीका हो गया, इनटू लगाएंगे, 2 वुमेन्स आपको सेलेक्ट करनी है, टोटल वुमेन्स कितनी है, 6, तो 6C2। इसी तरह दूसरे वाले में देखिए, आपको 4 मेन सेलेक्ट करने हैं, टोटल 5 मेन है, तो 5C4। और वुमेन्स कितनी सेलेक्ट करनी है, 1, टोटल कितनी वुमेन्स है, 6C1। यहां पे देखिए टोटल 5 आपको मेल या मेन ही सेलेक्ट करने हैं, तो क्या हो जाएगा, 5C5। वुमेन्स तो कोई आएगी नहीं क्योंकि 5वां आपका सिलेक्शन यहीं पे हो गया। तो एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो नीचे वाली वैल्यूज होंगी वो दोनों मिला के हमेशा 5 होनी चाहिए, जितना भी आपको कमेटी फॉर्म करने को कहेगा उतनी होनी चाहिए। मतलब इसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5C3 रहे और यहां पे 6C1 रहे, 3 और 1 मिला के क्या हो जाएगा, 4। कमेटी आपको 5 की फॉर्म करनी है और आपका आंसर यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये गलत तरीका होगा। तो हमेशा इसे आप टैली करते रहिएगा कि सही लगा रहे हैं या नहीं। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी, देखिए निकालना बहुत ही इजी है। कैसे आप निकाल सकते हैं, 5 में से आप 3 घटाएं, कितना आएगा, 2। तो 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3। तो आपको 5 को केवल 4 तक ले जाना है, 5 × 4, और जो बचा हुआ है क्या, 2, उसे नीचे लिख लीजिए। इनटू में 6C2 का मतलब 6 में से आप 2 को माइनस करिए, 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, 4 और 2 में बड़ा कौन है, 4। तो मतलब 6 को आपको केवल 5 तक ले जाना है और अपॉन में फैक्टोरियल किया जाएगा 2। बस इसे सॉल्व करिए, देखिए 2 और 2 मिलके 4 को एक बार में कट करेंगे, कट कर दिया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपको बस इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 × 6 कितना हुआ, 30, 30 × 5 कितना हो जाएगा, 150 आ गया। उसके बाद क्या करना है, 5C4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 5 में से 4 घटाएंगे आएगा 1, और 4 फैक्टोरियल यहां पे है, तो 1 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो 5 को आपको 4 फैक्टोरियल तक ही ले जाना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। ठीक इसी तरह 6C1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 6 ही आ जाएगी, करके आप देख लीजिएगा। तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 30। 5C5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, 1। इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 181। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा कितने तरीके से मेंस आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां पे एक चीज को नोट करिएगा, आपको बता देता हूं क्या, कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है NCN, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इस बात को आप ध्यान रखें, निकालने की जरूरत नहीं है। NCN की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और इसी तरह NC1 की वैल्यू क्या होती है, जो भी यहां पे N लिखा रहेगा वही वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जब कॉम्बिनेशन के थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम क्या है। अब ये आपका लेटर बॉक्स प्रॉब्लम के नाम से फेमस है, लेटर बॉक्स प्रॉब्लम होती है, ये भी एक टाइप होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, तो आपको बता देता हूं। अब यहां पे आपको क्या कहेगा, लेटर बॉक्स भी हो सकता है, कई बार रिंग के केस में हो सकता है कि आपके रिंग है उसको आपको फिंगर्स में डालना है, तो कितने तरीके से डाल सकते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 3 पोस्ट बॉक्स इफ एनी नंबर ऑफ लेटर कैन बी पोस्टेड इन ऑल ऑफ द 3 पोस्ट बॉक्सेस।
कि आपके यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन कि यहाँ पे मान लीजिए आपके थ्री आपके लेटर बॉक्स हैं, ये तीन लेटर बॉक्स मैं ऐसे बना देता हूँ, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, पांच लेटर्स हैं। मान लीजिए आप हो गए तो आपके पास पांच लेटर्स ये पड़े हुए हैं, तो आप इन पांच लेटर्स को इन तीन पोस्ट बॉक्सेस में कैसे डाल सकते हैं, जबकि कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी में भी डाल सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि यहां पे देखिए आपको डालना क्या है, डालना है आपको लेटर, ठीक है, लेटर डालना है, और यहां पे फिक्स क्या है, लेटर बॉक्स फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है आपकी, ये बदलने वाले नहीं, तीन के तीन है। चॉइस आपको किसमें मिल रही है, लेटर को डालने में। आप यहां पे गए पहुंचे, अब आपको तीन लेटर बॉक्स मिल गए, आप इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, और इसमें भी डाल सकते हैं, तीनों हैं आपके पास चॉइसेस। तो आप कितने तरीके से डाल सकते हैं लेटर को, अगर आप पहले लेटर की बात मैं करूं तो पहले लेटर को आप तीन तरीके से डाल सकते हैं। चलिए आपने तीन तरीके से डाल दिया, किसी में भी डाल दिया मान लीजिए, ठीक है, और ऐसा कंडीशन भी नहीं है कि आपने जिसमें एक बार डाल दिया उसमें दोबारा नहीं डाल सकते, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा लेटर आप लेके जाते हैं तो आप फिर से यहां पे पहुंचेंगे तो फिर से आपके पास तीन ऑप्शंस मिलेंगे, तो फिर से तीन ऑप्शंस हो गए। तीसरा लेटर जाएंगे तो फिर से आपके पास तीन ऑप्शंस, इसी तरह पांच लेटर जाएंगे तो आपके पास पांच बार ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये जो भी मिलेंगे इनको आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कितना जाएगा, 3 की पावर 5, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको इतना सब कुछ ड्रॉ नहीं करना है, ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ समझा रहा था कि आप अगर लेटर बॉक्स में लेटर डालने जाएंगे तो हर बार आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे, और ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि जिसमें आपने पहले एक बार डाल दिया उसमें आप नहीं डाल सकते, उसमें भी डाल सकते हैं और सब में भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें फिक्स पार्ट क्या है, जैसे इसमें फिक्स पार्ट क्या है, फिक्स पार्ट है आपका लेटर बॉक्स, ठीक है, तो यहां पे बॉक्स कितने हैं देखिए, तीन, तो जो भी फिक्स पार्ट होगा वो आपका चलाएगा बेस में, और जो भी आपका लेटर होगा मतलब जो फिक्स नहीं है कि आप इस पांच लेटर को इसमें डालना है तो कितने भी तरीके से डाल सकते हैं, जिसके साथ आपको चॉइस मिल रही है उसको आपको पावर में रख देना है, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। जैसे यहां पे होता कि यहां पे चार लेटर बॉक्स हैं और आपके पास दो लेटर्स हैं, आप किसी में भी डाल सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 की पावर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो 2 सेकंड में आपको इसे सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपने देखा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का पार्ट 3, कॉम्बिनेशंस के बारे में हमने चर्चा की और जाना कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजिली कॉन्सेप्ट हम यूज करके, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, आपके कमेंट मिलते हैं तभी मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ पा रहे हैं या नहीं, या क्या चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर सकूं। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे अपने आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसी तरह की रोज डेली वीडियोज लाता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा मददगार होती है और आपका नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है वीडियोस को देखने के बाद, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पार्ट 4 देखेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम एडवांस लेवल के और क्वेश्चंस देखेंगे जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का यूज करके बनते हैं, जानेंगे उन्हें हम इजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं होगी उसमें भी। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।